तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। एक अच्छा क्वेश्चन है। एक ब्लॉक ऑफ मास एम रेस्ट ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, एक हॉरिजेंटल सरफेस पे एक ब्लॉक रेस्ट में रखा हुआ है। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस म्यू ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, और एक फोर्स ये लग रहा है। इस फोर्स की वैल्यू कैपिटल एम जी के बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। दिस फोर्स इज ऑल इक्वल टू कैपिटल एम जी, और थीटा डिग्री वर्टिकल से लग रहा है। विच पुल द साइड इट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द ब्लॉक कैन बी पुल्ड एलॉन्ग द सरफेस। एलॉन्ग द सरफेस मतलब मुझे इसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कराना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ और लगने वाले फोर्स का एनालिसिस करूँ तो मुझे क्या मिलता है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे लगने वाले जो फोर्स है उनकी एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जिसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल में मोशन कराएंगे। सिंस एलॉन्ग द प्लेन सरफेस, तो वर्टिकल में मोशन जीरो है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये वाली लाइन बच्चों हॉरिजेंटल वाली लाइन है, और यहाँ से एक फोर्स लगा एफ, जिसका वैल्यू है इस वेट के बराबर, ठीक ना। और ये एंगल थीटा है, और यहाँ पे जैसे ही मैं ये अप्लाइड फोर्स लगा दूंगा, सिंस यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन इधर आ ही जाएगा, ठीक ना। स्टेटिक आएगा और जस्ट पुल के केस में लिमिटिंग आएगा, ठीक ना। तो जस्ट जब चलने वाला होगा, तो अगर एफ की एफ के कंपोनेंट करोगे तो एफ के यहाँ दो कंपोनेंट आ जाएंगे। एक आएगा यहाँ पे, एक इधर आएगा जिसका नाम होगा एफ कॉस थीटा, जो कि ब्लॉक को ऊपर पुल करने की कोशिश करेगा, और ये जो है एफ साइन थीटा, जो कि ब्लॉक को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल ऊपर आएगा जो कि सरफेस लगाएगा, और कैपिटल एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी। तो जितने भी फोर्स लग रहे थे बच्चों वो सारे हमने इसको क्या किए, रिजॉल्व कर दिए और हॉरिजेंटल वर्ट कर दिए। सिंस मोशन अलॉन्ग द वर्टिकल, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है क्योंकि हमें अलॉन्ग द सरफेस पुल करना है, ध्यान रखना है। तो वर्टिकल में नेट फोर्स है जीरो है, तो नॉर्मल प्लस एफ कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल होना चाहिए, एम जी के बराबर होना ही चाहिए यार। तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कैपिटल एम जी, और माइनस एफ की वैल्यू लग देता हूँ, एफ की वैल्यू यहाँ कैपिटल एम जी कॉस थीटा है। तो ये इक्वेशन नंबर अपना फर्स्ट आ गया, और मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से प्यारे बच्चों, तो इस वाले इक्वेशन में कौन कौन से और कौन से फोर्स लग रहे हैं, हॉरिजेंटल में मूव कराना है। तो हॉरिजेंटल में देखो दो ही फोर्स लग रहा है, एफ साइन थीटा और ये लग रहा है फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर हॉरिजेंटल में ये ब्लॉक हॉरिजेंटल में इधर की डायरेक्शन में तभी मूव करेगा जब एफ साइन थीटा अधिक होगा किससे, फ्रिक्शन से। तो यहाँ मैं एफ साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन, तो जाके ब्लॉक आगे मूव करेगा। एफ की वैल्यू यहाँ कैपिटल एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन यहाँ पे मैं लिमिटिंग रख रहा हूँ क्योंकि जस्ट मूव करने वाले के केस में मैक्स मतलब ले रहा हूँ, तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन, ठीक है ना। तो यहाँ से कैपिटल एम जी साइन थीटा लिमिटिंग रखा हूँ, मस्ट बी ग्रेटर देन एटलीस्ट इक्वल टू, ठीक है ना, म्यू एन की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ, कैपिटल एम जी माइनस कैपिटल एम जी यहाँ कॉस थीटा, ये वाली चीज़। तो अब इसी इनिक्वलिटी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा बात बन जाएगा। यहाँ से कैपिटल एम जी खत्म हो गया, तो इधर बच्चा बच्चों साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू टाइम्स वन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि मैं दोनों साइड ख़त्म कर दिया। अब आप मैथमेटिकल टूल में पढ़े होंगे तो साइन थीटा का फार्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू, ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन मी वन माइनस कॉस थीटा का फार्मूला आप पढ़े होंगे, और टू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये वाली चीज़ यहाँ से, तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये टू ने इस टू को ख़त्म कर दिया, और एक साइन स्क्वायर से, तो यहाँ कॉस थीटा बाई टू मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू टाइम्स साइन थीटा बाई टू, इसका मतलब ये हुआ कॉस थीटा बाई टू, और यहाँ से साइन थीटा बाई टू मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू, मतलब कॉट थीटा बाई टू मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू, मतलब यहाँ से तुम देखोगे हमें मस्ट बी ग्रेटर देन एटलीस्ट इक्वल, तो यही हमें निकालना था। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करता है, मतलब अपना डी ऑप्शन परफेक्टली मैच कर जाता है। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।